सच में अगर बोलूं तो भाई साहब द केरला स्टोरी ने मतलब बवाल मचा के रखा हो। आपको लगता होगा कि न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको लगता है कि भाई साहब ये मूवी तो बैन हो रही है, तो किस तरीके से बवाल मचा। लेकिन भाई साहब बता दूं कि ये मतलब मूवी जो है ना भाई एक तरह का इतना ज़्यादा सुपर हिट और ब्लॉक बास्टर की तरह बढ़ रही है, भी इतना ज़्यादा स्पीड से ना भाई, मतलब अपनी लाइफ में मैंने इस तरह का मूवी नहीं देखा कि जो भी मूवी का जो कलेक्शन का ग्राफ है वो मतलब इक्वल रहे और उठता जाए। मतलब देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है, सैटरडे अच्छा चलती है, संडे चलती है, मंडे गिर जाती है, ट्यूजडे और गिर जाती है भाई साहब, लेकिन इस मूवी का वैसा कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको तुमको बॉक्स ऑफिस के बारे में दिखाऊं भाई, तो देखो सबसे पहला जो जब ये रिलीज हुआ था फर्स्ट डे में, तो उस दिन इसने 8 करोड़ सिर्फ कमाया था, तकरीबन 8 करोड़ पकड़ लो भाई साहब। उसके बाद सैटरडे को जो इसका था ना बॉक्स ऑफिस करते थे भाई साहब, 11 करोड़ 22 लाख रुपये इसने कमाया था, मतलब सोचो 3 करोड़ का जब कर दिया। और भाई साहब संडे को डायरेक्ट इसने 16 करोड़ रुपया कमा ली, मतलब समझ रहे हो तुम भाई साहब। इस मूवी का बजट ना अप्रोक्स पकड़ लो 15 से 20 करोड़ रुपए का बजट है, और भाई साहब इसने 2 दिन में ही अपना मतलब जो बजट था ना वो निकाले। उसके पास अब जितना इसके खाते में आ रहा है सब ज़्यादा प्रॉफिट है। अब देखो उसके पास जो हम लोग मंडे के बारे में बात करें, तो भाई मंडे में बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवी ना भाई भट से गिर जाती है, मतलब पता अगर 10 करोड़ कमा रही है वीकेंड में तो भाई साहब उसको 5 करोड़ या 4 करोड़ में आने, लेकिन भाई साहब ये मूवी 10 करोड़ बना के रखी। उसके बाद से फिर ट्यूजडे को और ज़्यादा बढ़ गया 11 करोड़ भाई, मतलब समझ रहे इस मूवी का क्रेज कितना है। उसके बाद से भाई साहब वेडनेसडे को 12 करोड़ भाई, और आज जो चल रहा है ना भाई मतलब थर्सडे के दिन भाई, तो थर्सडे के दिन भी अर्ली एस्टिमेट आ चुका है कि ये 10 से 11 करोड़ कमा सकती है। अब इससे तुम समझो कि बैन करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब मेरे हिसाब से मूवी और ज़्यादा प्रमोट हो रही है। अब एक स्टेट में बैन हुआ, अगर सोचो ये किसी स्टेट में बैन नहीं हुआ रहता तो भाई साहब ये मूवी कितना ज़्यादा कमाती। तो इस मूवी का जो टॉपिक है ना बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब भी करता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा है, तो भाई वो उनके ऊपर डिपेंड है जो देखना चाहते हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये तुमको पता लग जाएगा कि भाई बहुत सारे लोगों को मतलब ये मूवी अच्छी लग रही है, इसीलिए ना भाई साहब बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा ये कमा रही है। अगर अच्छी नहीं लगती तो नॉर्मल सी बात है भाई साहब, इसका कलेक्शन कम होता तो भाई मैं बताऊँ तो क्या मतलब ये मूवी एक रिकॉर्ड बना सकती है, मतलब कश्मीर फाइल जैसा, मतलब 250-300 करोड़ तक का। सोचो यार कितना ज़्यादा प्रॉफिट, अभी तक अगर टोटल देखे ना भाई साहब तो ये 90 करोड़ तक का मतलब बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी है। सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट अभी तक कमा ली, मतलब भाई ये मूवी काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रही है भाई। तो आपका क्या रहा है कमेंट में जरूर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।